ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता दयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब हम विश्वानुदेव मंत्र से कुछ आहुति देंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि अभी तो दीजिए कि हे और दुर्व्यसनों और दुर्जनों को हमसे दूर कर दीजिए, जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ और प्राणी हैं वे सब हमको प्राप्त कराइए। और जो सभी लोग उपस्थित हैं वे तीन तीन आहुति सभी देवें, इधर आते रहेंगे। जो हमारे यजमान हैं दोनों दंपति वे तो बैठे रहेंगे, बाकी इधर से आते रहेंगे। इधर से भी दे सकते हैं, उधर से भी दे सकते हैं। पर बंद रखो तो एक एक तरफ से माताएं बहनें देती रहेंगी, एक तरफ से भाई लोग दे देंगे और सभी आहुति देंगे। एक मैं विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि यज्ञ में आए और हमने अग्नि जलाई और उसमें घी सामग्री की आहुति देकर चले गए, जैसे कि हमने बड़ा एहसान कर दिया हो भगवान पे, ऐसी भावना हमारे मन में आती है। लेकिन ये हमारा जो है अहंकार या अभिमान या अज्ञानता है और कुछ नहीं। हम ये जो यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म है इसको करने आए हैं, तो इसको करते समय हमारी भावना सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ भावना हमारी हो कि दिन में ऐसी श्रेष्ठ भावना हमारी है ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ, कोई दोष हमारे मन में नहीं। और जो व्यक्ति बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी निर्मलता के साथ परमात्मा से और बड़ी दीनता के साथ परमात्मा से मांगता है, परमात्मा उसको अवश्य देता है। वह जो कुछ मांगता है परमात्मा उसको पात्र समझ करके वह अवश्य देता है। ऐसा नहीं कि वह जो मांगे वही दे दे, मैंने शब्द लगाया उसमें, उसको पात्रता देख करके परमात्मा देखते। मांगते तो लोग पता नहीं क्या क्या है, लेकिन परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता, वह उसकी योग्यता के अनुसार देता है। तो जैसे हम कोई नौकरी लेने जाते हैं, मांगने जाते हैं, तो उसमें योग्यता लगा देते हैं, न्यूनतम योग्यता इतनी होनी चाहिए। इसमें भी न्यूनतम योग्यता है, वह न्यूनतम योग्यता क्या है? वह न्यूनतम योग्यता ये नहीं है कि आप बहुत शुद्ध, बहुत ही संस्कृत निष्ठ उच्चारण करें, यह इसकी योग्यता नहीं है। आपके यदि 19-20 उच्चारण भी है लेकिन आपके मन में श्रद्धा अपार है, दोष नहीं है, मन एकदम निर्मल है, भावना पवित्र है और परमात्मा को आप सर्वशक्तिमान और सब सुखों का दाता मान करके उससे कुछ कह रहे हैं, तब आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। इसका हम अनेक बार प्रयोग कर चुके हैं, अनेक और लोग भी कर चुके हैं, अनेक संत महात्मा कर चुके हैं, करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। लाखों करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनि करते आए हैं, आगे भी लाखों करोड़ों वर्षों तक मनुष्य करते रहेंगे। अनेक ऋषि विद्वान पैदा हुए हैं, अनेक आगे भी होंगे। ऐसा ना सोचना कि अकाल पड़ गया है, आगे ना कोई ऋषि होगा ना कोई विद्वान होगा, जो हो गए बस पहले ही थे, ऐसा नहीं है। सृष्टि में कभी भी किसी का जो है अभाव नहीं रहता, वो चलता है। तो मेरा आपसे इतना ही विनम्र निवेदन है कि आहुति तो देवें, ये नहीं कि हवन में आए थे, सामग्री मिल रही आज तो मुफ्त की, दे लो जितनी दी जाए मुट्ठी भर भर। आपको इससे कोई लाभ नहीं होना, वायुमंडल सुगंधित होगा वो हो ही रहा है, आप ना डालें तब भी होगा, दूसरे डाल देंगे। आप अपने जीवन में इस बात का विचार करें कि आपके जीवन में क्या अभाव है, क्या दुख है, और परमात्मा उसको दूर कर सकता है। भैया इसे ठीक करो, ठीक कर देना भाई, फिर मिलेगा सब।
ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि सब सामग्री रख। हाँ जी डाल दो जी, बीच में जरा हाथ बचा के, हाथ बचा के आप डाल दो खड़े हो। मम्मे पाही ओ मयूर दाग ने अस्यायुर्मे देही
ओम वर्चो दाग्ने असी वर्चो मे देही, ओम अग्नेयन मे तन्वा ऊनम तन्म आपृण, ओम तेजो असी तेजो मयि देहि, ओम वीर्यमसी वीर्यम मयि देहि, ओम बलमसी बलम मयि देहि, ओम ओजो अस्योजो मयि देहि, ओम मन्युरसी मन्युम मयि देहि, ओम सहो असी सहो मयि देहि, ओम यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम, ओम यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम, ओम यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम, ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु, ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वादत्तां पुष्कर सृजौ। आ जाओ मास्टर जी, कहाँ है हारमोनियम? सभी को अधिकतर याद है, लेकिन आज आप उसे थोड़ा सा अलग हट करके वेद के अनुसार प्रार्थना बोल लो। बिल्कुल नया प्रयोग है। हम साहित्य में पढ़ाते हैं कि प्रयोगवादी कवि था, तो वो प्रयोग किए उन्होंने नए, वो प्रयोग उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कविता का सर्वनाश कर दिया। प्रयोग ऐसे किए, वो कविता कविता ही नहीं रही। लेकिन आजकल के अधिकांश हिंदी के लोग उसको ही ठीक समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें छंद नहीं बनाना पड़ता, उसमें संगीत नहीं बनाना पड़ता, उसमें लय भी नहीं बनानी पड़ती, उसमें जैसे जो मन में आए वही गाए जाओ, चाहे लय बने चाहे ना बने चाहे कुछ हो, बस यूँ कह दो कि ये मेरी कविता है। तो कविता का जो प्राण था आत्मा थी सब मार दी। लेकिन हम ऐसे प्रयोग नहीं करते। हमने तो क्या किया है कि जो भी प्रार्थना बोली थी यज्ञ के बाद, ओम तनुपाग्ने सी तनवम में पाही आयुर्दाग्ने सायुर्मे, ये पूरी प्रार्थना वैदिक ग्रंथों की प्रार्थना, बस इसको काव्य में गाया है, अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं मिलाया। ईश्वर में ध्यान लगा के आंख बंद करके और सुने, जैसे ईश्वर हमारे सामने है और हम उससे बात कर रहे हैं। बात ही तो कर रहे हैं, किसी और को नहीं सुना रहे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से बात कर रहे हैं। प्रभु आप रक्षक हैं तन के, मेरा तन रक्षित कर दो, हे परमेश्वर आयु प्रदाता दीर्घ आयु मेरी कर दो, हे परमेश्वर आयु दीर्घ आयु मेरी कर दो। प्रभु आप रक्षक हैं तन के, मेरा तन रक्षित कर दो, हे परमेश्वर आयु प्रदाता दीर्घ आयु मेरी कर दो, हे परमेश्वर आयु प्रदाता दीर्घ आयु मेरी कर दो। Thank you.
वर्चस्वी करते वर्चस्वी मुझको कर दो। हे परमेश्वर मेरे तन से दोष दूर सारे कर दो। हे परमेश्वर मेरे तन से दोष दूर सारे कर दो। तेजस्वी हैं आप विधाता तेजस्वी मुझको कर दो। हे परमेश्वर शक्तिमान हो शक्तिमान मुझको कर दो। हे परमेश्वर शक्तिमान हो शक्तिमान मुझको कर दो। बलशाली सबसे बलशाली मुझको कर दो। हे परमेश्वर ओजस्वी हो ओजस्वी मुझको कर दो। हे परमेश्वर ओजस्वी हो ओजस्वी मुझको कर दो। परमेश्वर सहनशील हो सहनशील मुझको कर दो। हे परमेश्वर सहनशील हो सहनशील मुझको कर दो। तेजस्वी मैं हो जाऊं। हे परमेश्वर तव वर्चस से वर्चस्वी मैं हो जाऊं। हे परमेश्वर तव वर्चस से वर्चस्वी मैं हो जाऊं। हे परमेश्वर वर्चस्वी मैं हो जाऊं। के सामर्थ्यों से बनो समर्थ मैं ही जग में। हे परमेश्वर मुझे कीजिए मेधावी नित ही जग में। हे परमेश्वर मुझे कीजिए मेधावी नित ही जग में। मैं खाली नहीं जग में
सति जग जानी भगवन मम मेधा को पुष्ट करें। हे परमेश्वर प्राण हमारे मम मेधा को पुष्ट करें। हे परमेश्वर प्राण हमारे मम मेधा को पुष्ट करें। आप सभी बोलें प्रभु आप रक्षक हैं तन के, मेरा तन रक्षित कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता दीर्घ आयु मेरी कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता दीर्घ आयु मेरी कर दो। प्रार्थना है जो आपने पहले मंत्रों में गाई और उसके पश्चात आर्य भाषा में गाई कि मेरा कार्यक्रम शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति से अलग ना हटे। आप चार दिन देखेंगे ये तीन ही कार्य होंगे, शारीरिक उन्नति होगा, आत्मिक उन्नति होगी और हरी इसकी अभी कुछ और सामाजिक। शारीरिक हम प्राणायाम योगासन और आयुर्वेद की औषधियों से करें। 80% दोष तो प्राणायाम और योगासनों द्वारा दूर करने की विधि बताएंगे और जो 20% बचेंगे वे औषधियों का सहयोग लेकर के उनसे भी ठीक हो जाएंगे। ये तो शारीरिक उन्नति होगी। और जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, अपने मन बुद्धि आत्मा सबको पवित्र करेंगे तो हमारी कौन सी उन्नति होगी? आत्मिक उन्नति होगी। और हम सब प्रतिदिन मिलकर के उस प्रभु का गुणगान करेंगे, मिलकर के एक दूसरे के शरीर के रोगों को दूर करने की प्रार्थना करेंगे और सब बाद में भी प्रेम पूर्वक रहेंगे। इसी प्रकार से सहयोग से अपने समाज घर परिवार संबंधियों इष्ट मित्रों के साथ रहेंगे तो ये हमारी सामाजिक उन्नति होगी। बहुत से लोग बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान राजनीति के मंच पर देते हैं, आर्य समाज के सम्मेलनों में भी होते हैं और आर्य महासम्मेलन में और राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में तो फिर भाषणों की कोई सीमा ही नहीं। मैं ऐसे भाषण नहीं देता क्योंकि मेरे हाथ में देश की सत्ता नहीं है। यदि देश की सत्ता मेरे हाथ में तो भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे में कुछ का कुछ कर सकता हूँ। तो भाषण देने से देश परिवर्तित नहीं होता, कर्म करने से देश परिवर्तित होता। हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। हम वैदिक धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, उसे सच्चे मन से कर, अपने आर्य भाइयों के दोष दुख सच्चे मन से दूर कर सकते हैं तो करें, कुछ तो करेंगे। जब हम 100% प्रयास करेंगे 10% 20% कुछ तो करेंगे और परमात्मा का सच्चे मन से गुणगान करेंगे। एक गीत देखो, प्रातःकाल की वेला है, हम रोज गाया करेंगे। मैं आपको कुछ गीत ऐसे सिखा के जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद भी आप याद रखेंगे। और गीत किसी और के लिखे हुए मैं कभी नहीं गाता, ये परमात्मा की कृपा है कि मैं अपने ही लिखे गीत गाता हूँ।
ना मैं किसी की लय पे गाता, किसी की चुरा के नहीं गाता। परमात्मा मुझे सद्बुद्धि देते हैं, मैं अपने गीतों की लय अपने आप बनाता, बन जाती है, मैं नहीं बनाता अपने आप बनता। बड़ी बड़ी जटिल लय आपको मैं सुनाऊंगा चार दिन। प्रातः काल का समय है, सूर्योदय हो गया। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा, पश्चिम नु सूर्यम उच्चरंतम। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करो कि मैं उदित होते हुए सूर्य को देखूं। और प्रतिदिन ये प्रार्थना करें हम, तो प्रतिदिन हमें उदित होते हुए सूर्य की दर्शन करें। इसका आयुर्वेद में हमने अनुसंधान किया, प्रातःकाल के सूर्य को देखने की बात क्यों कही। संध्या में भी अनेक स्थान पर सूर्य ही सूर्य है, माँ सूर्य का अर्थ वे परमात्मा भी है, और उस सूर्य का अर्थ यहाँ जो हमारा सांसारिक सूर्य है वह भी है। क्योंकि एक वेद मंत्र के तीन तीन अर्थ तो सामान्य रूप से साधारण विद्वान ही कर देता है, एक ईश्वर परक अर्थ, एक विद्वान परक अर्थ, एक सामाजिक संबंधों परक अर्थ। तो प्रतिदिन सूर्य को हम देखें, और सूर्य को क्यों देखने की प्रार्थना की गई, बार बार की गई है, पचासों जगह तो मैंने निशान लगा रखे हैं वेदों में, सूर्य को देखने की प्रार्थना। उदित होते हुए सूर्य को देखने की प्रार्थना परमात्मा करता है, कैसा मेरा जीवन हो। परमात्मा स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसावे, सबसे पहले सूर्य ही याद आता है उसको, सूर्य जैसा मेरा जीवन कर दे, चंद्रमा जैसा मेरा जीवन कर दे, मैं आपको सूर्य जैसा जीवन कर दे इसका भी गीत सुनाऊंगा, और चंद्रमा जैसा जीवन कर दे इसका भी गीत सुनाऊंगा। आप देखो तो क्यों, उसका बहुत चिंतन किया, वेद आदि का स्वाध्याय किया, अपने धर्मगुरु ऋषि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के ग्रंथों का अध्ययन और अनुसंधान भी किया। लोग अध्ययन करते हैं, मैंने अध्ययन भी किया, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने अनेक लोगों को PhD ऋषि दयानंद पर कराई, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं धन्य अपने आप को मानता हूँ कि तीन लोगों ने तो महर्षि दयानंद पर PhD की है मेरे निर्देश। क्या क्या विषय हैं वे भी सुन लो, डॉक्टर साहब बैठे हैं। प्रेमचंद के साहित्य पर महर्षि दयानंद का प्रभाव, भगवती चरण वर्मा के साहित्य पर महर्षि दयानंद का प्रभाव, और वृंदावन लाल वर्मा के साहित्य पर महर्षि दयानंद का प्रभाव। ओ ये कहाँ, वहाँ देख रहा पृष्ठ 53, इधर पुस्तक नहीं आई बहन जी, पुस्तक दो, कहाँ थोड़ा सा इसमें से वैसी हो जाएगी। हाँ लीजिए, ओ एक बार हम गाएंगे, एक बार आप गाएंगे, तब आनंद आएगा। दे दो जी, दब दो। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन से दूर बहुत हम को कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो, दूर बहुत हमसे कर दो। क्या मांगते हैं परमात्मा से, वैदिक पथ पर चलें सदा ही, बाधाएं कुछ रहे नहीं, हम बालक हैं प्रभु आपके,
वैदिक पथ पर सदा ही बाधाएं कुछ रहे नहीं। हम बालक हैं प्रभु आपके दुख यहाँ हम सहे नहीं। सुखी रहे सुख देवे जग को, सुखी रहे सुख देवे जग को, परमेश्वर ऐसा वर दो। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। सूर्योदय सा मन प्राण शुद्ध हो। क्या क्या शुद्धि होनी चाहिए? यूं समझे घर शुद्ध कर लिया और बाद में रूम फ्रेशनर छिड़क दिया, मैं शुद्ध हो गया? नहीं, नहा लिए, बढ़िया कपड़े पहन लिए, बगल में पुछपुछी लगा ली, सेंट की, शुद्ध हो गए? नहीं हुई है शुद्ध, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये शुद्ध कर लो। चलो, देह बुद्धि मन प्राण शुद्ध हो, शुद्ध हमारे कर्म रहे, शुद्ध आत्मा मिले आपसे, दुर्वचनों को नहीं कहें। देह बुद्धि मन प्राण शुद्ध हो, शुद्ध हमारे कर्म रहे, शुद्ध आत्मा मिले आपसे, दुर्वचनों को नहीं कहें। करें सुगंधित जग जीवन को, करना है हमें, क्या करें? कुछ मत करो, एक ही काम कर दो, क्या करें? सुगंधित जग जीवन को यज्ञ युक्त जीवन कर दो। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। हमारे पास धन है, यौवन है और बल है, शरीर का बल, पद का बल, अधिकार का बल है, वो हो कैसे? उसका प्रयोग करना है, लेकिन प्रयोग करो ना करो बस उनका क्या करना। मैंने पीएचडी की सौंदर्य पे, मैंने पीएचडी की सौंदर्य करना चाहता था वैदिक साहित्य पे, लेकिन मेरा भाग्य में नहीं था, मुझे कोई अपना गुरु मिला ही नहीं जो वैदिक साहित्य पे करा सके, सब पौराणिक थे, तो ले दे करके विषय क्या मिला। तो मुझे कहने लगे फिर तुम्हारा प्रिय और क्या है? मैंने कहा जी सौंदर्य और प्रेम। तो उन्होंने, मेरे गुरु जी ने कहा ठीक है उसको करा दें, उन्होंने कराया। विषय मेरा क्या था सुनिए, घनानंद और प्रसाद के काव्यों में सौंदर्य और प्रेम। तो मुझे लोग सौंदर्य का व्यक्ति भी कहते हैं, यही ने बड़ी पहचान है सौंदर्य की, तो बात तो सही है, जब मैंने पीएचडी की तो कुछ तो पहचान होगी। तो कहाँ उसको मैंने प्रयोग किया सौंदर्य का, और तो मेरे कुछ काम आई नहीं होती इसी। तो मैंने ये किया कि भाई सब चीज़ सुंदर बनाओ, जब सौंदर्य पीएचडी करी है तो अपनी सब चीज़ सुंदर बनाओ। क्या क्या? कोई बात, धन यौवन बल रूप हमारे, सुंदरता को पा जाए, देश धर्म की रक्षा के हित निज सर्वस्व लुटा जाए। धन यौवन बल रूप हमारे, सुंदरता को पा जाए, देश
देश धर्म की रक्षा के हित निज सर्वस्व लुटा जाए, दुष्ट जनों को नष्ट करें हम, दुष्ट जनों को नष्ट करें हम, ऐसा बल यौवन भर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। पंच महायज्ञों को कर नित ऋषियों के अनुगामी हो, सर्वोत्तम वैदिक पथ पर चल सदा सुखी शुभ नामी हो। हम क्या चाहते, नाम हो हमारा, चाहे कुकर्म करके हो, नहीं नाम तो हो। परमात्मा से प्रार्थना वेद में की गई है कि परमात्मा मैं इस संसार में सूर्य के समान तेजस्वी होकर जीऊं, यश हो मेरा, यशस्वी हो जाऊं, वर्चस्वी हो जाऊं, लेकिन हो कैसे, किसी को नीचे गिरा के नहीं, पंच महायज्ञों को नित्य करूं और ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलूं और वो सर्वोत्तम उस पथ पर चलूं जो वेद का पथ है। बस इतने ही करने से हम वर्चस्वी तेजस्वी यशस्वी सब कुछ हो जाएंगे। हम उनको केवल कहते और सुनते तो हैं, उस वेद के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते, जो चलते हैं वे होते हैं। तो क्या कहा, पंच महायज्ञों को कर नित ऋषियों के अनुगामी हो, सर्वोत्तम वैदिक पथ पर चल सदा सुखी शुभ नामी हो, तेज ओज बल सत धर्म को, तेज ओज बल सत धर्म को मेरे जीवन में भर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। और जल्दी हो, देखो पहला दिन था और कई प्रकार की जटिलताएं हैं, बाधाएं हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है, तो और यहाँ की व्यवस्था में भी है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से प्रेम पूर्वक सब कार्य ठीक हो गया, और जो थोड़ी बहुत देर हुई उसके लिए आप क्षमा करेंगे। आप शांति पाठ करेंगे और उसके पश्चात बराबर का कक्ष शायद खुल जाएगा, उसमें साहित्य भी उपलब्ध होगा, औषधियाँ भी होंगी, और मेरी जो भी आप सेवा उपलब्ध हैं निस्वार्थ भाव से जो भी लेना चाहें, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी रहें, कोई भी चेहरे से रोगी दिखाई ना दे। मैं देख रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ना किसी की ओर इशारा कर रहा हूँ, कि अनेक रोग शरीरों में हम यहाँ लिए बैठे हैं,
माताएं बहनें भी लिए बैठी हैं और बंधुवर भी लिए बैठे हैं। और वृद्धावस्था आ गई तो समझ लिया अब तो रोग रहेंगे ही। क्यों रहेंगे भाई, रोग क्यों रहेंगे? एक ही चीज रहेगी, या तो रोग रहेंगे या तुम रोग। शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुवर विरजानंद की, महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राशि कृष्ण चंद्र की, भारत माता की, गौ माता की। मैं रुक रहा हूँ यहाँ, जान के आप ये पुस्तक लें, इसमें मैंने उद्घोष लिख रखे बाद में। आप सब यही बहुत अधिकतर यही बोलते रहे, आर्य समाज अमर रहे। भाई मरा थोड़ी है अभी, आर्य समाज की जय हो, वैदिक धर्म की तो जय, और आर्य समाज अमर रहे। आप थोड़ा गंभीरता से विचार करो, विद्वान जो विद्वत जन बैठे हैं। गौ माता की जय, आर्य समाज की जय। मर तो सकता ही नहीं, जिसकी जय है वो कैसे मरेगा। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, आर्य समाज की जय, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, ओ वैदिक अभिवादन सबको। हारा उसी का भजन करो प्राणी, उसी का भजन करो प्राणी। विश्व स्वरूप प्यारा सारे जग का पालन हारा उसी का भजन करो प्राणी। ओ भाई भजन कृपा निधान प्रभु सर्व शक्तिमान, करूं कहां तक बयान सारे जग से महान, सारे जग से महान। सृष्टि कर्ता निर्विकार सारे जग का आधार, मानव किया ना विचार बना फिर अज्ञान, बना फिर अज्ञान। वो है करना कर जगदीश उसी कोई निवासीस, वो है करना कर जगदीश उसी कोई निवासीस। तूने ये भी नहीं विचारा वो है सबका पालन हारा उसी का भजन करो प्राणी, उसी का भजन करो प्राणी। पर भाई परमात्मा ने कमाल कर दिया, क्या सुनो। चोला मानव का बनाया कैसा मसाला लगाया, मानव समझ ना पाया कैसी अद्भुत माया, पैर
घुटनों को मोड़ कोहनी उंगलियों को जोड़ कैसी करी तोड़ फोड़ रक्त मास में फसाया रवि आत्मा कहलाए मन चालक चलाए रवि आत्मा शारीरिक रथ रख दिया प्यारा वो है सब कार्य पालन हारा मानव का चोला कितना सुंदर बना दिया कहीं जोड़ नहीं है और एक कमाल और है बिन कचहरी इन साफ कर बिल्कुल साफ साफ कर पूरी तोल नाप ना वकील तक बुलाए कर्म जैसा भी करेगा प्रभु माफ न करेगा यही वेद बतलाए कर्मों को निचोड़ी और फलों को जोड़ जोड़ तू कर्मों को निचोड़ी फलों को जोड़ जोड़ वो सही करे बंटवारा वो है सब कार्य पालन हारा उसी का भजन करो शिभानु और तारे चले तेरे ही सहारे मानव ये भी न विचारे सचिव विद्या और पदार्थ से तू जान ले यथार्थ क्यों ना होता है कृतार्थ मन भटका वे प्यारे हरी दत्ना दान करे रात दिन बखान हरी दान करे रात दिन बखान तू ये भी समझ नहीं पारा वो है सब कार्य पालन भजन करो प्राणी भजन करो प्राणी उसी का भजन करो प्राणी जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि को रचाया लेकिन आज का मानव इसी में ही धोखा खा रहा है इसी में फंस रहा है कोई कहता है कि भगवान तो हरिद्वार में रहते हैं कोई कहता है बद्रीनाथ में रहते हैं कोई कहता है केदारनाथ में रहते हैं लेकिन मनुष्य आज धोखे में है ईश्वर के ऊपर ही आज जो भी डिस्कस चल रहा वो परमपिता परमात्मा एक है और वो सबके पास है लेकिन भाई आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो इस सत्संग में पधारे हो और नहीं तो सब बढ़ोत कोई छोटा मोटा वो थोड़ा ही है यहाँ तो बहुत जनता बहुत प्रचार हुआ लेकिन बड़े अफसोस की बात है उपस्थिति बहुत कम है वही बात है कि तुलसी पिछले पाप से राम कथा न सुहाए एक गीत बहुत सुंदर है लो उसे सुनो और उसके बाद में हमारे आचार्य जी आ रहे भाई जबू सुरब का गीत बहुत सुंदर है जब उस रब का दिल दीवाना होता है जब उस रब का दिल दीवाना होता है ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है जब उस रब का
शुभ कर्म पुराना होता है जब उस रब का सौभाग्यशाली हो, सत्संग में बैठे हो, उस परम पिता परमात्मा का गुणगान सुन रहे हो। क्या लोग तो दौलत के पीछे दीवाने हैं, दौलत के पीछे दीवाने हैं, लोग तो दौलत के पीछे दीवाने हैं, दौलत के पीछे दीवाने हैं। सबसे उत्तम सबसे उत्तम सबसे उत्तम इल्म खजाना होता है, सबसे उत्तम इल्म खजाना होता है। ये कोई पुराना ओ भाई, ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है जब उतरता दिल दीवाना होता है, जब उतरता दिल के मन में विचार आया। भाई सत्संग सुने चल करके वहां शिविर लग रहा, शाम का समय है, उस प्रभु के गीत सुने, भक्ति के गीत सुने, आप चले आए। लेकिन एक ने कहा भाई चल रहा हूं वहां डीएस पब्लिक स्कूल में। अरे यार कहां, हमारी तो फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। बयाने को तो मौत वक्त पर आती है, आने को तो मौत वक्त पर आती है, आने को तो मौत पर आती है। मौत से पहले कोई बहाना होता है, मौत से पहले कोई बहाना होता है। हो ये कोई दुख कर्म पुराना, अब की कली में तो भाई कमाल कर दिया। मानव जब निज कर्मों से गिर जाता है, 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 उसका कोई मोल यहाँ ना होता है, उसका कोई मोल यहाँ ना होता है। हो ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है, ओ भाई ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है, जब उस रब का दीवाना होता है, जब उस रब का दीवाना होता है। ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है, ये कोई जब उस रब का भाई जेर जबर की खबर नहीं बेमोल तुझे, जेर जबर की खबर नहीं बेमोल तुझे, जेर जबर की खबर नहीं बेमोल तुझे, जबर की खबर नहीं बेमोल तुझे। फिर भी तेरा गीत तराना होता है, फिर भी तेरा गीत तराना होता है। ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है, ये कोई शुभ कर्म पुराना होता है, जब उस रब का दिल दीवाना होता है, जब उस रब का दिल दीवाना होता है, जब उस रब का दिल दीवाना होता है। सभी आर्य बंधुओं, प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा की कृपा से भीषण गर्मी का आज का दिन भी बीत रहा है और मुझे तो कल और आज पता चला कितनी गर्मी पड़ रही। अब तक के गर्मी के मौसम में कल पता चला।